जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन, एक 6 सितंबर को भी है और एक 7 सितंबर, ठीक है। तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख के बताऊं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक, 6 सितंबर और 7 सितंबर, ठीक। ये आप लोगों को ध्यान देना है 2 दिन क्यों है। मैं आचार्य शशिकांत पांडे, सत्य सनातन V1 यूट्यूब चैनल, हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं ये सब देखेंगे और ध्यान से उसको समझेंगे, और हमारे विद्यार्थी समझ रहे हैं। 2 दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, सबसे पहला आप लोगों को समझना है। स्मार्ट पंचांग जब आप देखेंगे तो पंचांग में आएगा स्मार्ट, स्मार्ट और वैष्णव, ठीक है, स्मार्ट और वैष्णव, ठीक है। स्मार्ट का मतलब क्या है, स्मार्ट का मतलब ये है कि हर व्यक्ति ये त्योहार कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत परेशानी बाधा नहीं है। लेकिन वैष्णव जो है तो ये वैष्णव हुए कैसे, वैष्णव हुए कैसे, यानी कि जब तक वैष्णवी दीक्षा नहीं दी गई तब तक हर व्यक्ति स्मार्ट है। जब तक वैष्णवी दीक्षा नहीं दी गई है तब तक हर व्यक्ति स्मार्ट है। अब स्मार्ट का दूसरा शब्द यहां पे आप लोग और समझ जाइए, शैव। स्मार्ट का दूसरा शब्द क्या कहा जाएगा, शैव, यानी कि जब तक व्यक्ति वैष्णव दीक्षा नहीं लिया है तब तक हर व्यक्ति शैव है। इसीलिए एक साधारण सी बात आप लोगों को मैं समझाऊं कि हर व्यक्ति रुद्राक्ष का माला धारण कर सकता है, लेकिन वैष्णव होने के बाद रुद्राक्ष धारण नहीं करेगा। वैष्णव होने के बाद क्या धारण करेगा, तुलसी का माला धारण करेगा, समझ रहे हैं। तो हमारा विषय है श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन क्यों होती है। तो पहला दिन जो होता है वो स्मार्तों का होता है, स्मार्त में जितने गृहस्थ लोग हैं, जितने हर व्यक्ति उस दिन भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मनाएगा, धूमधाम से मनाएगा। तो स्मार्त वाले लोग विचार क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रात्रि में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। तो स्मार्त वाले लोग क्या मानते हैं कि भाद्रपद का महीना हो, रात्रि का 12 बजे हो और अष्टमी तिथि, जिस दिन अष्टमी तिथि होगी तो उस दिन समझ जाइए कि सभी स्मार्ट के लोग सभी गृहस्थी सबको मना लेना चाहिए। कौन सा, यानी कि 6 सितंबर को, इस साल जो 6 सितंबर 2023 को
स्मार्तों के लिए समझिए कि 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। आप पूछिए कि 7 सितंबर को वैष्णव वाले लोग क्यों मनाते हैं? तो वैष्णव लोग इसलिए मनाते हैं कि वह नक्षत्र पे विशेष ध्यान देते हैं कि रोहिणी नक्षत्र जब लगेगा तभी हम उस त्योहार को मनाएंगे। तो रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि, अगर अष्टमी तिथि के जगह पे भले नवमी हो जाए लेकिन रोहिणी नक्षत्र होनी चाहिए। तो रोहिणी नक्षत्र को देखते हुए वैष्णव जन जो हैं ये कितने तारीख को मनाएंगे? 7 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। ये हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है। हमारे जितने सत्य सनातन भीवन यूट्यूब चैनल से जो दर्शक देख रहे हैं वो समझेंगे कि ये 2 दिन का जो त्योहार है वो हम लोगों ने नहीं बनाया है, ये अनादि काल से है शैव और वैष्णव के हिसाब से। शैव को ही भगवान शिव के जो उपासक हैं वो भी भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी को मनाते हैं, तो वो लोग अष्टमी तिथि के अष्टमी तिथि भाद्रपद को लेकर के जिस दिन अष्टमी तिथि होगी उस दिन वो मनाएंगे, तो उनको स्मार्त वाली जन्माष्टमी बोली जाती है। लेकिन अब वैष्णव कौन हुआ, कहाँ से वैष्णव आए? क्वेश्चन है कि वैष्णव कौन हुआ, वैष्णव कहाँ से आए? सब तो सही है। तो वैष्णवी दीक्षा, जैसे कि हम लोग शंख चक्र गुरु जी के द्वारा शंख चक्र धारण करते हैं तप्त मुद्रा से, उसके बाद तुलसी धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं, तो हम लोग वैष्णवी दीक्षा लेकर के वैष्णव तिलक धारण करके वैष्णव बनते हैं। तो हम लोग कृष्ण को मानने वाले हैं, भगवान विष्णु को मानने वाले हैं, तो हम लोग क्या दीक्षा में लेते हैं? शंख चक्र, ठीक है ना। और जो राम जी को मानने वाले हैं तो वो कौन सा लेते हैं? वो धनुष और बाण। तो राम जी को भी मानने वाले वैष्णव, और कृष्ण जी को मानने वाले भी वैष्णव, भगवान विष्णु को मानने वाले भी वैष्णव है। तो जो राम कृष्ण विष्णु को मानने वाले हैं ये वैष्णव बोले जाते हैं। तो ये लोग का जो त्योहार है ये रोहिणी नक्षत्र लेकर के मानते हैं, तो इनकी जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी? इसी चीज को गांव देहात के भाषा में बोला जाता है कि यह जो है गृहस्थों की है, स्मार्त यानी कि गृहस्थों की जन्माष्टमी है, और ये जो है साधु जन, ठीक है, जो संत महात्मा जो साधु लोग होते हैं उनकी जन्माष्टमी को कौन जन्माष्टमी बोलते हैं? वैष्णव जन्माष्टमी बोलते हैं। और जो गृहस्थ में जो लोग जुड़े हैं उनकी जन्माष्टमी को कौन जन्माष्टमी बोलते हैं? स्मार्त जन्माष्टमी बोली जाती है। तो आज मैंने अपने सत्य सनातन भीवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों को भी और अपने दर्शकों को भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी में 2 दिन जो मनाई जाती है किस कारण से मनाई जाती है मैंने आज बताया। स्मार्त वैष्णव स्मार्तों की जन्माष्टमी इस बार 6 सितंबर को होगी, वैष्णव जनों की जन्माष्टमी इस बार 7 सितंबर को होगी। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना बधाई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल।